नमस्कार, मैं हूँ रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। देखिए मंदसौर ज़िले की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चंबल नदी में डूबी 5 महिलाएं, 3 महिलाओं के मिले शव। मंदसौर ज़िले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तोलाखेड़ी में गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र में रविवार शाम को खेत पर काम कर लौट रही महिलाओं से भरी नाव पलट गई। नाव में 7 महिलाएँ सवार थी, इनमें से 2 महिलाएँ बाहर निकल गई व 5 महिला अभी भी लापता है। इनकी तलाश में प्रशासनिक व पुलिस टीम की मौजूदगी में गोताखोर लगे हैं, पर अब घटनास्थल पर अंधेरा होने की वजह से परेशानियां बढ़ रही है। क्षेत्रीय विधायक व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह डग लगातार अपडेट ले रहे हैं। वह भोपाल के अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर तोलाखेड़ी के लिए निकल गए हैं। 3 महिलाओं के शव मिलने की जानकारी मिली है। हादसा कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम को मंदसौर जिले शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तोलाखेड़ी की महिलाएं मजदूरी करने गांधी सागर जलाशय के बैकवाटर को पार कर खेतों में गई थी। शाम को वापस लौटते समय असंतुलित होकर नाव पलट गई। इसमें 5 सवार महिलाएं, 1 बालिका व 1 पुरुष नदी में डूब गए। बाद में किसी तरह रानू गायरी भेरूलाल पुत्र कंवरलाल को बचा लिया गया। 5 महिलाएं लापता हैं। मंदसौर तोलाखेड़ी हादसे में लापता महिलाओं के नाम धापूबाई पत्नी गोपाल 41 वर्ष, रसलाबाई पत्नी राधेश्याम 40 वर्ष, वर्षाबाई पुत्री मांगीलाल 18 वर्ष, मधु पत्नी कान्हा गायरी 19 वर्ष, प्रेमबाई पत्नी बाबलू गायरी 42 वर्ष। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।